आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस विषय पर अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं। जब हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, एक स्टेटस वाले पार्टी में, तो शायद वहाँ एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमें अपने ग्लासेस भरनी हैं, उसमें आप कुछ भी भरें लेकिन पीना है। अच्छे अच्छे होटलों में जाएं, बड़े बड़े होटल्स में, तो वहाँ भी आकर के ड्रम रख दिए जाते हैं, आप उसमें से निकालें और पी। जब किसी से पूछा गया क्यों पीते हैं, उन्होंने बोला एनर्जी आती है। सबको पता है कि एनर्जी कितनी देर तक ठहरती है। ये जो अंदर में एनर्जी आती है वो अपने नसों नाड़ियों को उत्तेजित करती है। शराब क्या है, वह नसों नाड़ियों को उस क्षण के लिए उत्तेजित करता है, पर वह लंबे समय के लिए नहीं करता। फिर वह लीवर को डाउन करता है, फिर पीते हैं, फिर वो नसों नाड़ियों में एक तरह का, जिसको कहते हैं वो पंपिंग करते हैं, वो पंपिंग हुई, बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा एक भ्रांति और है जिसको लोग कहते हैं कि यह राजसिक प्रवृत्ति है। शराब पीना राजसिक प्रवृत्ति नहीं है, शराब पीना तामसिक प्रवृत्ति है। आप इसको ऐसे समझें, जब कोई शराब पीता है, ज़्यादा पी लेता है, तो क्या करता है, उसकी चेतना हर ली जाती है और उस चेतना के अंदर में वह जा करके बहुत कुछ सोच लेता है, बहुत कुछ कर गुजरता है, उसको होश भी नहीं रहता। और यह चेतना नींद की तरफ ले जाती है, यानी हमारे बाईं नाड़ी की तरफ। मैं आपके उल्टे बैठी हूँ, जब भी मैं बताऊँगी तो हो सकता है वो आपको उल्टा प्रतीत हो। तो जो हमारी बाईं नाड़ी है, हमारा लेफ्ट चैनल सिस्टम, आप अपने बॉडी को सामने रख के देखिएगा, तो जो आपकी बाईं नाड़ी है, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करती है और उसको नींद में डालती है। जब वह नींद में मनुष्य हो जाता है, आँखें खोले भी रखे, गाड़ी चलाता है, वह कुछ भी करे, वह एक दिन नुकसानदेह होता ही होता है और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि राजसिक है, राजसिक कतई नहीं है, और जो ये मानते हैं कि मांस खाना तामसिक प्रवृत्ति में आता है, तो वह तामसिक में नहीं, वह राजसिक प्रवृत्ति में आता है। जो लोग राजकाज में करते हैं, वो लोग मांस खा करके अपनी एनर्जी को बरकरार रखते हैं। कुछ भी अति में जाता है, वहाँ लीवर को ही नुकसान होता है, इसीलिए कहते हैं अति सर्वत्र वजह। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने ये महसूस किया कि जिन लोगों के हाथों में ये वाइन का ग्लास होती है, वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा कि इनसे अच्छा धार्मिक, इनसे अच्छा सामाजिक कोई प्राणी नहीं है। वो धर्म पर बातें करते हैं, ये जानते हुए भी किसी भी धर्म में शराब को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह वह चेतनाहीन लोगों का समूह होता है जहाँ अपनी कोई भी मर्यादा वो नहीं रख पाते। घर में जाएंगे तो वहाँ की मर्यादा भंग होती है, बाहर रहेंगे तो वो इस तरह से छुएंगे, इस तरह से बातें करेंगे, इस तरह से लोगों के गले लगेंगे कि उनको लगता ही नहीं कि शरीर कितना पवित्र है, यह एक मंदिर है। इस मंदिर की धारणा में 75-80% लोग नहीं है। जब मनुष्य के भीतर पवित्रता बिठाई गई, यह पवित्र चेतना में जब मनुष्य को डाला गया, पशु को नहीं, मनुष्य को जब डाला गया, तो यह सब बातें उसके जहन में धीरे धीरे डाली गई हैं नैसर्गिक रूप से कि यह ठीक नहीं है। एक समय था जब शराब की कोई बात घर में लोग करते नहीं थे, छुप के पीते होंगे, आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे परिवार जैसे हम लोग के परिवार, समझ में नहीं आता था कि क्या कोई पीता भी था, क्योंकि उनके भीतर की जो चेतना थी वो बचा के रखे थे, और जिनको चेतना नहीं थी उन्होंने ही घर में अमर्यादित व्यवहार किए हैं। शब्द गलत निकलते हैं, गालियाँ निकलती हैं, होश ही नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। सबसे सुंदर, मैं एक महफिल में बैठी थी, जाना था, बैठे ही थे, और सभी को एक समान भाव से देखना है, साक्षी भाव से देखना है। जब आप अपने जीवन में होते हैं तो आपको बहुत कुछ देखना होता है, आप उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। तो इसी तरह से एक व्यक्ति वाइन का गिलास लिए और बैठे,
क्या करते हैं आप दिन भर, मैंने उन्हें बताया कि मॉर्निंग मेडिटेशन से लेकर के अब तक मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, बहुत सारे काम है जो करती हूँ, और योग करती हूँ, सहयोग करती हूँ, क्या करते हैं सहयोग, वो भी बताया। तो बोले कि आंटी मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, वो आज तक मेरे मनोमस्तिष्क पर छाई है। कहानी ये थी कि एक व्यक्ति किसान गरीब रोज सुबह उठता, भगवान को सिर प्रणाम करता, सिर झुकाता और अपनी दैनिक क्रिया में निकल जाता, जो भी खेती बाड़ी उसे करनी थी। शाम को लौटता, भगवान को प्रणाम करता, ऊपर देखता, मानो ऊपर वाले सब तुम्हारी मर्जी में है, और वो फिर आराम की नींद सोता। एक संतुष्टि का जीवन है और ऐसा ही जीवन होना चाहिए। मैंने कहा कि बिल्कुल, गृहस्थ जीवन में जितनी संतुष्टि आप ले सकते हैं वही आपकी मुक्ति का मार्ग है, इसमें कोई शक नहीं। तो गृहस्थ जीवन बहुत कठोर है, कठिन है, उतना ही सहज भी है, सरल भी है, प्रेम से भरा हुआ भी है, नफरत भी भरी है। लेकिन यह सोच लेना कि हम कुछ भी करते रहें और सिर्फ हाथ जोड़ लेते रहें उससे ईश्वर प्रसन्न होगा, तो यह तो नहीं हो सकता है। मैंने उसमें जोड़ा, मेरे भाई जो वो किसान था ना, वो बहुत सरल था, वह अपनी मेहनत का भरोसा करता था, वो चिटिंग नहीं करता था, वह किसी का जायदाद नहीं मारता था, वह अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, वह किसी के साथ, जिसको हम कहते हैं धोखा, जो धोखे बहुत तरह से दिए जाते हैं, उसका चरित्र सुंदर था, इसलिए वो सिंपल हाथ जोड़ लेता है जब, तो उस ईश्वर तक पहुंच जाता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्ञानी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाथों में ग्लास भी है, सभ्यता के परे भी हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ और मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा, तो यह उन सभी की गलत फहमी है। आप सरल जीवन जिए और शराब को छोड़ दें। मैं जानती हूँ कि कोई मेरे कहने से नहीं छोड़ेगा, अनंत हमारी सुंदर आत्माएं आकर ये बात कह दें, फिर भी ये कहना पड़ता है कि क्यों खराब कर रहे लीवर को। कई लोग बोलते हैं लीवर क्या खराब होता है, जो लोग नहीं पीते हैं वो भी मर जाते हैं, जो पीते हैं वो भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। हाँ जी, ये बात मैंने भी देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, पर आज तक जिंदा है, और कई ऐसे हैं जो अपना जीवन छोड़ चुके हैं, बहुत ही सात्विक सरल जीवन जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी निकल गए, अपना भोग भोग कर जो भी करना था निकल गए, लेकिन जो बचे हुए हैं, जो इन चेतनाओं में चल रहे हैं और वो सोचते हैं कि मेरा एक जीवन लंबा है, वह जीवन लंबा नहीं, वह श्रापित जीवन होगा, वह श्रापित जीवन होगा, वह एक बीमार जीवन होगा, वह आज पता नहीं चलेगा, आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी उनका लाइफ चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। इसलिए ये जो राजसिक प्रवृत्ति है वह भी एनर्जी देती है, जो तामसिक प्रवृत्ति है वह सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं देती है। इसलिए कई जगहों में, कई धर्मों में मांस पर तब भी ज़्यादा नहीं बोला गया, ये कहा गया कि अगर आपको हाई प्रोटीन की ज़रूरत है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ साग सब्जियाँ नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे, नेचुरल है। लेकिन शराब नेचुरल नहीं है, वह आपके शरीर को धीरे धीरे खाता है, आपके चेहरे की ओजस्विता को समाप्त कर देता है, आपकी भाषाएं बदल जाती हैं, मर्यादाएं बदल जाती हैं। इसलिए विनम्रतापूर्वक यही कहना चाहते हैं, कृपया शराब से दूर रहें, इससे अपना स्टेटस सिंबल मत बनाएं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं, पर वो कभी भी शराब सिगरेट इत्यादि के व्यसनों में नहीं फंसे हैं, ऐसे ही लोगों को दुनिया समझती है। और आप जब पी रहे हैं तो आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप उनको संस्कारवान बना पाएंगे, आप उनकी चेतना का धीरे धीरे हरण करते जा रहे हैं, शुद्ध स्वच्छ चेतना का, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसीलिए आप अपने जनरेशन को, जो आगामी आने वाली पीढ़ी है, कृपा करके उन पर ध्यान दें और ऐसी गलतियाँ ना करें।